जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दासता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वातंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके, इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान भी